हेलो दोस्तों, मैं हमीना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप गर्मियों में भी अपने फेस को फ्रेश रखना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनइवन टोन हो चुकी है आपकी स्किन जो है, तो डोंट वरी, आज की रेमेडी जो है आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपका चेहरा जो है वो खिला खिला रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, ग्लो प्रोवाइड होगा और साथ ही साथ आपका चेहरा जो है वो फेयर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है एक कटोरी में आपको ग्राइंड किया हुआ खीरा लेना है। खीरे को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके इसका आपको पेस्ट तैयार करना है। इसके अंदर का जो वाटर होगा वो आपको निकाल लेना है और इस तरह से आपको पेस्ट लेना है। तो ये पेस्ट लेना है आपको एक चम्मच, तो एक चम्मच खीरे का पेस्ट जो कि आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेट रखेगा, आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आधा चम्मच जो है मसूर की दाल लेनी है, पीसी हुई मसूर की दाल का आपको पाउडर लेना है आधा चम्मच। और इसके बाद आपको चाहिए हनी, तो हनी आपको लेना है तकरीबन आधा चम्मच। एंड इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये तीनों इंग्रेडिएंट जो हैं आपकी हर फेस की हर प्रॉब्लम को दूर करके आपकी फेस को फ्रेश रखेगी, हाइड्रेट रखेगी, ग्लो प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयर कर देगी। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर इसे अप्लाई करें। तो 15 मिनट तक आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें, इससे अपने फेस की मसाज करें। तो 15 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने फेस को सादे पानी से धोया, तो अभी मेरा फेस जो है ना बहुत फ्रेश, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ फील कर रहा है और ग्लो भी प्रोवाइड हुआ है। तो यही स्मूथनेस, फ्रेशनेस, ग्लो, ग्लोइंग स्किन जो है वो आप भी पा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।